हरित वृक्ष सोसाइटी के द्वारा डॉक्टर अमित झा जिला कलेक्टर महोदय की गरिमामय उपस्थिति में एवं प्राचार्य डॉक्टर हरवीर सिंह जी की उपस्थिति में यहाँ पर 28 जुलाई को रहित वृक्षारोपण किया गया था। यहाँ पर जो पौधे कुछ खत्म हो गए, आज हम उनको दोबारा से नए सिरे से रिप्लेस करके नए पौधे लगा रहे हैं। यहाँ पर एक मियाबाकी पद्धति से छोटा जंगल भी जो है फॉरेस्ट डेवलप किया जाएगा, जो कि मंदिर के पास बने हुए फोन पर किया जाएगा, जिससे कि हम नेटिव पौधों को संरक्षित कर सकें और हमारा प्रयास रहेगा कि इस कैंपस को पूर्ण रूप से हरा भरा बनाएंगे। नमस्कार, मैं सत्येंद्र यादव। हरित वृक्ष सोसाइटी ने एमएस में जो कैंपस को ग्रीन हरा भरा बनाने का जो संकल्प लिया था, उस कड़ी में हमने वृहद स्तर पर प्लांटेशन किए थे। चूँकि इस बार ठाकुर जी की ज़्यादा मेहरबानी रही और अतिवृष्टि होने की वजह से हमारे ज़्यादातर सभी पौधे खत्म हो गए, आज हम उसी कड़ी में जितने भी पौधे मरे गए उनको रिप्लेस करने आए। धीरे धीरे हम सभी प्लांटों को जो भी मर गए हैं उनको रिप्लेस करेंगे और आगे भी इस कॉलेज कैंपस में हमें मियाबाकी फॉरेस्ट भी बनाने का हमारा एक संकल्प लिया हुआ है, उस पर भी आगे अपने कदम बढ़ाएंगे। तो सर क्या कारण रहा है यहाँ प्लांटेशन का सूखने का? कोई यहाँ पर जो है अतिवृष्टि रही, जो वाटर लॉक होने के कारण यहाँ की मिट्टी में थोड़ी सैलिनिटी की प्रॉब्लम है, जिससे कि ये पौधे जो है सैलिनिटी टॉलरेंस नहीं है। कुछ पौधे ऐसे हैं करंज वगैरह के जो कि सैलिनिटी टॉलरेंस होते हैं, वो यहाँ पर लगे हुए हैं, उनमें कोई डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन जो सेंसिटिव पौधे हैं वो खत्म हो गए। अभी हम कितना प्लांटेशन का कार्य कर रहे हैं, कितने लगा रहे हैं इसमें? हमारा पहले जो है 250 पौधों का प्लांटेशन का था, इसमें से कुछ पौधे जो खत्म हुए, हमारे करीब करीब अब हम 80 पौधे रिप्लेस कर रहे हैं। अभी 80 पौधे रिप्लेस कर रहे हैं, उसके बाद जो है आगामी अगर ये सर्वाइव नहीं करेंगे तो इन पूरी जो है रिप्लेस किया जाएगा। जितने भी पौधे जो सूखेंगे हम पुनः उनको हेल्दी प्लांट से रिप्लेस करेंगे। हमारे प्रशासन में हमारे जो मेम्बर्स आए हुए हैं, जरा उनका इंट्रोडक्शन, जैसे आप साथ में चलते हुए विष्णु कुमार जी शर्मा सोसाइटी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद धारण किए हुए हैं। इधर जो है हमारे श्री भगवान जी शर्मा, ये हमारे कार्यकारिणी में सदस्य हैं। आप मैम संगीता जी चतुर्वेदी जी, डॉक्टर संगीता चतुर्वेदी जी, ये हमारी जो है उपाध्यक्ष हैं सोसाइटी के अंदर, और इनके ही नेतृत्व में ये हमारी बड़ी बहन के हैसियत से हमें नेतृत्व करती हैं और हम इनका हृदय से स्वागत करते हैं। सोसाइटी वाले सभी इनके निर्देशन में कार्य करते हैं। आइए सर, चलते चलते ना उनका प्रचार सब बोलते रहिए आप। ये हमारे सत्येश जी जो कि सोसाइटी सचिव हैं और ये बहुत ही युवा ऊर्जावान, इन्होंने अपने विद्यालय को जो कि धौलपुर में है, इन्होंने पीएम श्री योजना के अंतर्गत उनको चयन कराया है, क्योंकि वहाँ पर उत्तम क्वालिटी का प्लांटेशन किचन गार्डन को विकसित किया है और ये बहुत ही हमारी सोसाइटी के हमारी कि इतने ऊर्जावान है कि सोसाइटी इनके ऊर्जा से संचालित है। आप देखिए हमारे डॉक्टर हरवीर सिंह जी डागुर साहब प्राचार्य हैं इस कॉलेज में और देखिए कितना श्रम कर रहे हैं, स्वयं अपने हाथ से प्लांटेशन कर रहे हैं और इन्हीं के सौजन्य और सहयोग से जो है एमएसडीए में ये प्लांटेशन हो सका, क्योंकि इन्होंने बीनू प्रवाड कराने की हमको अनुमति दी थी। कॉलेज हमेशा याद रखेगा, याद रखेगा इनके इस अद्वितीय सहयोग। हरवीर सिंह, हाँ हरवीर सिंह जी, और यहाँ जो है कॉलेज टीचर भैया टीचर हैं ये प्रिया में, और ये भी देखो प्लांटेशन के शौकीन है और इस स्वागत पौधारोपण सहयोग कर दिया है, सोसाइटी इनको धन्यवाद ज्ञापित करती है। बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हमको पुनः एक बार अवसर मिला है इस कॉलेज को हरा भरा करने का, जिसके लिए हम सभी यहाँ प्रयास रहते हैं और हमारा एक लक्ष्य है कि इस कॉलेज को हम बिल्कुल हरा भरा देखें। उसी क्रम में आज हमारी टीम महासचिव सत्येंद्र यादव जी एक बोगनवेल का पेड़ यहाँ लगाने जा रहे हैं, जो बहुत ही हार्डी प्लांट है,
और हर परिस्थिति में जीवित रहने का इसका मादा है। इसी तरह के प्लांट हम लगा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जो हमने डेकोरेटिव प्लांट या वो लगाए थे वो भारी बारिश के कारण, अतिवृष्टि के कारण समाप्त हो चुके हैं। साथ ही हमारे भाई श्री भगवान जी जो बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं हमारी सोसाइटी के, फावड़ा लेके तैयार हैं गड्ढा खोदने के लिए, और अभी तक ये काफ़ी पेड़ यहाँ लगा चुके हैं। पूरी टीम, छोटे छोटे बच्चे भी आज हमारे साथ आए हुए हैं और वो इस कार्य में हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। सतीन जी एक कोगन बेल लेके खड़े हुए हैं जिसको इस गड्ढे में लगवाना है। इससे क्या जानवरों की रोक टोक भी होगी, जो छोटे छोटे जानवर इसमें घुसते हैं उनसे बचेगा। हमारा लक्ष्य यही रहेगा कॉलेज एकदम आदर्श कॉलेज के रूप में दिखे, पूरे कॉलेज परिसर में हरियाली हरियाली नजर आए। और हमारा ये संकल्प है कि हम जब तक कोई भी पेड़ इसमें खराब होगा उसको उसी समय हम बदलेंगे, और उसको जब तक वो पेड़ बड़ा नहीं हो जाए उसकी देखभाल करेंगे। ये हमारी सोसाइटी का संकल्प है। हमारे साथ बहुत ही सक्रिय लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, भाई बृजेश गोस्वामी जी जो कि हमारी वीडियोग्राफी कर रहे हैं, बहुत ही सक्रिय रहते हैं हमारे हर कार्यक्रम में, और हमसे पहले कई बार ही आके हमको यहाँ इंतजार करते हुए मिलते हैं। इनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हर कार्यक्रम की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी और सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार के लिए ये बहुत ही आगे हैं, क्योंकि ये प्रचार प्रसार का ज़माना है। उस क्रम में लोगों को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया पर भी इस तरह की पोस्टें ज़्यादा से ज़्यादा डालना और उनको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना बहुत जरूरी है। हाँ, अब देखो बच्चे अपने हाथों से एक पौधा लगा रहे हैं, बहुत ही रोचक दृश्य है। छोटे छोटे बच्चे अपने छोटे छोटे हाथों से, और ये पेड़ निश्चित रूप से बहुत बड़ा होगा ये मेरा एक विश्वास है, क्योंकि इसमें बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही नाजुक हाथों से अपने अपने लगा रहे हैं। सुबह सुबह उठ के आ गए हैं बच्चे बेचारे, जो अभी इनके सोने की टाइम था पर ये आ गए अपने प्लांटेशन के लिए। यहाँ पर हमारे कॉलेज के अमित शर्मा जी अपनी टीम के साथ लगे हुए हैं, पूरी टीम इनकी सुबह से ही आज यहाँ गड्ढे खोद के तैयार मिली है, और अमित जी का पूरा इसमें सहयोग हमको मिला है यहाँ, और अपने साथियों के साथ ये सुबह से ही यहाँ पौधारोपण में हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इन्होंने एक नीम का पेड़ लगाया है जो बहुत ही अच्छा स्वस्थ पेड़ है। अमित जी ने एमएसए को पूरा हरा भरा बनाने का संकल्प लिया। हमारे संकल्प में अमित शर्मा जी का बहुत तगड़ा सहयोग है, हर काम के लिए हम जरा सा फोन करते हैं अमित जी हमको आगे से आगे तैयार मिलते हैं वो काम। अमित जी दो सब कोई बात, मुझे हरित वृक्ष सोसाइटी का सदस्य बन के बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। ये इतना पुनीत कार्य वृक्षारोपण का एक आज के समय में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है वृक्षारोपण की, जिसको उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ है, और मेरा जितना सहयोग बन सकेगा अपना पूरा सहयोग दूंगा। धन्यवाद। अभी आपके सामने मयंक और श्री भगवान जी एक बोगनवेल का पेड़ लगा रहे हैं, एक पेड़ बड़ा और उसके बगल में एक छोटे झाड़ी के रूप में बोगनवेल को लगाने का प्रयास है, जिससे कि आवारा पशुओं का भी रोकथाम, हालांकि उसके लिए हमने बैरिकेडिंग कराई हुई है, फिर भी कुछ लोग छोटे छोटे जानवर वगैरह इसमें से घुसने का प्रयास करते हैं, उनको रोकने के लिए बोगनवेल अपना सर्वश्रेष्ठ साधन है जो एक झाड़ी के रूप में डेवलप होगा। अभी बोगनवेल और कनेर ये फ्लावरिंग प्लांट हैं अपने यहाँ पे, बाकी जो बड़े प्लांट हैं वो सभी छायादार फलदार पेड़ हैं, जिसमें नीम पीपल गूलर बरगद इस तरह के प्लांट यहाँ लगाए गए हैं जो यहाँ इस खारी भूमि में भी सर्वाइव कर पाए। अभी हम उधर चलते हैं, हम देखते हैं हम कौन कौन से प्लांट लेके आए हैं इनमें से। हाँ, ये जो हमारे प्लांट अभी यहाँ रखे हुए हैं जिनको अभी हमको लगाना है, इसमें अभी अपने पास बोगनवेल हैं, कनेर हैं, और ये पाखर है, पीपल है, नीम है, ऐसे तोड़ ले बेटा ये भी उसको बोलो, और गुलमोहर जो कि फूल के साथ साथ छाया भी बहुत अच्छी देता है। शीशम के भी अपने पास प्लांट उपलब्ध हैं, शीशम भी यहाँ लगाएंगे हम। गुलमोहर बहुत ही अच्छा प्लांट है और बहुत जल्दी ग्रो करने वाला प्लांट है, इस क्लाइमेट में चल भी जाता है। हाँ, यहाँ के लिए बहुत ही सूटेबल प्लांट है ये।